ओम शांति। आज की तारीख है 5/2/23 और आज की अव्यक्त ज्ञान मुरली हम सुनेंगे। तो अव्यक्त ज्ञान मुरली का शीर्षक एकाग्रता की शक्ति से दृढ़ता द्वारा सहज सफलता की प्राप्ति। कैसे करें वो हम रिवाइज कोर्स की तारीख 9/12/93 में सुनेंगे। तो मीठे मीठे अव्यक्त बाप दादा बोले, आज इस ब्राह्मण संसार के रचता अपने चारों ओर के ब्राह्मण परिवार को देख हर्षित हो रहे हैं। ये छोटा सा न्यारा और अति प्यारा अलौकिक ब्राह्मण संसार है। सारे ड्रामा में अति श्रेष्ठ संसार है, क्योंकि ब्राह्मण संसार की हर गतिविधि न्यारी और विशेष है। इस ब्राह्मण संसार में ब्राह्मण आत्माएं भी विश्व में से किसी ना किसी विशेष आत्मा है। इसलिए ही ये विशेष आत्माओं का संसार है। हर ब्राह्मण आत्मा की श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ दृष्टि और श्रेष्ठ कृति विश्व की सर्व आत्माओं के लिए श्रेष्ठ बनाने के निमित्त है। हर आत्मा के ऊपर ये विशेष जिम्मेवारी है। तो हरेक अपनी जिम्मेवारी को अनुभव करते हो। कितनी बड़ी जिम्मेवारी है, सारे विश्व का परिवर्तन। न सिर्फ आत्माओं का परिवर्तन करते हो, लेकिन प्रकृति का भी परिवर्तन करते हो। ये स्मृति सदा रहे कि इसमें हम नंबर वार हैं। सभी ब्राह्मण आत्माओं के अंदर संकल्प सदा ये रहता है कि हम विशेष आत्मा नंबर वन बने, लेकिन संकल्प और कर्म में अंतर पड़ जाता है। इसका कारण कर्म के समय सदा अपनी स्मृति को अनुभवी स्थिति में नहीं लाते। चारों ओर के अलौकिक ब्राह्मण संसार की विशेष आत्माओं को सदा श्रेष्ठ स्थिति के अनुभव की सीट पर सेट रहने वाली आत्माओं को सदा स्वयं के महत्व को अनुभव करने वाले एकाग्रता की शक्ति से मन बुद्धि को एकाग्र करने वाले सदा एकाग्रता की शक्ति से ही दृढ़ता द्वारा सहज सफलता प्राप्त करके सर्वश्रेष्ठ, सर्व विशेष, सर्व स्नेही आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। वरदान सतगुरु शिव बाबा का, भाग्य और भाग्य विधाता बाप की स्मृति में रहे, भाग्य बांटने वाले फ्रॉक दिल महादानी भव। मीठे मीठे भाग्य विधाता बाप और भाग्य दोनों ही याद रहे, तब औरों को भी भाग्यवान बनाने का उमंग और उत्साह रहेगा। जैसे भाग्य विधाता बाप ब्रह्मा द्वारा
भाग्य बांटते हैं, ऐसे आप भी दाता के बच्चे हो, भाग्य बांटने चलो। वे लोग तो कपड़ा बांटेंगे, अनाज बांटेंगे, कोई गिफ्ट देंगे, लेकिन उससे कोई तृप्त नहीं हो सकते। आप भाग्य बांटो तो जहाँ भाग्य है वहाँ सब प्राप्तियाँ है। ऐसे भाग्य बांटने में फ्राक दिल श्रेष्ठ महादानी बनो, सदा देते रहो स्लोगन है, जो एक नामी में रहते और एक नामी से चलते हैं वही प्रभु प्रिय हैं। अच्छा, ओम शांति।